गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तुहिंदत्त। मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज मेरा सेकेंड डे है, मैं जा रहा हूँ हालोंग बे देखने के लिए, जो वियतनाम का मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेस है। पहले हम लोग एक वैन से 3 घंटे की सफ़र की, उसके बाद बोट से हालोंग बे तक गए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. मैं हूँ तोहिन। टुडे इज द सेकेंड डे। हम लोग जा रहे हालोंग बे, तो जाते जाते बीच में एक वर्कशॉप मुझे मिला, जहाँ पे हम लोगों को 35 मिनट्स दिया है वो देखने के लिए। देखिए मेरे पीछे है मार्बल्स का, ये बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत हाथ से बना हुआ पत्थर का। बहुत ही खूबसूरत है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Sun rays and I... हालोंग बे में आ चुका हूँ। वेदर तो बहुत ही खूबसूरत, थोड़ा बहुत ठंड लग रही है। और ये मेरे पीछे है बहुत सारे बोट जो अभी तक हम नहीं जा रहे, तो हमें एक टिकट मुझे मिला है। शायद देखते हैं, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं। टुडे का क्या प्लान है आज, प्लान तो इन लोगों ने सभी ने बना हुआ है। और बहुत सारे हम सभी जन एक साथ आए, तो बीच में बहुत सारे उतर गए, तो वो लोग शायद 3 या 4 दिन का बुक मैंने किया है। मेरे पास से मेरे साथ है 2 फ्रेंड जो पोलैंड से आया है। व्हाट्स योर नेम? रुक्शाना। एंड योर नेम? व्हाट? इवाना। बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। बोट का इंटीरियर डिजाइन बहुत ही खूबसूरत था, और बोट से हालोंग भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं अभी हालोंग बे में, मैं बोट से आया। पहले हमारे 3 घंटा वो प्लान था, फिर बीच में कुछ उतर गया, फिर हम 5-6 जन आए। सुबह आए और शाम को चले जाएंगे। तो फिर पहले वैन, फिर हम आए बोट।
बोट के ऊपर से। देखिए मैं बोट में, ये फेमस प्लेस है वियतनाम का हालोंग बे। आपको अगर आप अगर हालोंग बे सर्च करेंगे तो आपको यही प्लेस दिखाई देगा। और ये अभी थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होने के वजह से सभी चीज़ काला काला आ रही है और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है। मुझे वियतनाम सिटी में, हनोई सिटी में मुझे ठंड नहीं लग रहा था, इसी मैंने कुछ पहना नहीं है, बस ऐसे ही पहन के आ गया। बट इधर देखा तो बहुत ही ठंड है और धूप भी ना होने की वजह से ठंड तो और भी बढ़ चुका है। देख सकते हैं मेरे पीछे, और मेरे साथ है मेरी दो पोलैंड की दोस्त है, काफी फ्रेंडली यार है, काफी सुंदर है। उसके साथ मैं हूँ और दो थाई आदमी है, उसका एक बच्चा है, सभी मिलके हम लोग आ रहे। मेरे पीछे जो देख रही है आइलैंड वो है चिकन आइलैंड।